please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने विवाद सुलझाने के लिए पंचायत से मदद की गुहार लगाई। मैंने कहा है कि जो सच्चा झूठा जो बातें हैं उन लोगों उस चीज को आप लोग पढ़ें और मेरे हक में और मेरी अच्छाई के लिए और मेरे घर के लिए जो आप लोग मुनासिब समझें वो मेरे लिए फैसला करें और उसी चीज को मैं मानूं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक सड़क के किनारे से गोलियों के चलने की आवाज आने लगी। ये फायरिंग उस वक्त हुई जब आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया, जिसकी चपेट में वहां खड़ी कुछ गाड़ियां भी आ गईं और उनके शीशे टूट गए। इसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया और आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दावा किया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए। जानकारी के मुताबिक पहले एक आतंकी ने शहर के पश्चिमी इलाके में एक पुलिस स्टेशन को अपना निशाना बनाया। इसके बाद बाकी बचे दो हमलावरों ने काबुल के सिटी सेंटर में दूसरे पुलिस स्टेशन पर हमला किया। आतंकियों के इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। पिछले कुछ दिनों से तालिबान और ISIS के आतंकी अफगानिस्तान में सरकारी इमारतों और जवानों पर हमले कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर छेड़छाड़ के दो आरोपियों को भीड़ ने पूरी तरह पीट दिया। यूपी के बिजनौर में एक बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने दो नाबालिग लड़कों को पकड़कर बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के करीब एक आदमखोर गुलदार ने दो महिलाओं पर हमला कर एक की जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के कन्नौज में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक मिनी ट्रक और एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। यूपी के श्रावस्ती में नदी में नहाने के समय 6 बच्चे डूबने लगे, जिनमें 4 को बचा लिया गया लेकिन 2 की डूबने से मौत हो गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने देर रात एक दुकान पर पहुंचकर आइसक्रीम खाई, साथ ही वहां मौजूद लोगों से चुनाव पर चर्चा भी की। पनामा दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वहां के राष्ट्रपति के साथ मशहूर पनामा नहर की सैर की, जबकि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर समझौते भी हुए। दिल्ली की मेहरौली बदरपुर रोड पर एक कार में अचानक आग लग गई, हालांकि उसमें सवार लोग वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। दिल्ली पुलिस ने चांदनी महल इलाके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट बरामद की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल के तलाशी अभियान में गिरफ्तार किए गए 4 आतंकियों को मीडिया के सामने पेश किया गया। सुरक्षा बल ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए ये 4 आतंकी खानपुरा में मारे गए 3 नागरिकों की हत्या में शामिल थे, जिन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के खानपुरा और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 4 आतंकियों और उनके 7 समर्थकों पर शिकंजा कसने का दावा किया गया। इस दौरान सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद होने का भी दावा किया, जिनमें 2 AK-47, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और कुछ कपड़े शामिल रहे। पकड़े गए सभी आतंकियों का ताल्लुक आतंकी संगठन लश्करे तैयबा से बताया गया। 3 यूथ्स वर किल्ड बाय लश्करे तैयबा मिलिटेंट्स एंड दीस मिलिटेंट्स वर लेटर ऑन आइडेंटिफाइड एज ए लोकल मिलिटेंट्स। सुरक्षा बल के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों के साथ 7 ओवरग्राउंड वर्कर भी पकड़े गए। आरोप है कि ये सभी लोग पिछले 1 साल से आतंकियों की मदद कर रहे थे। यही नहीं, दावा है कि इन लोगों ने आतंकियों को अपने घर में छिपने के लिए जगह भी दी। इससे पहले खानपुरा में 30 अप्रैल को असगर खान, आसिफ और हसीफ खान नाम के 3 नागरिकों के गोलियों से छलनी शव मिले थे, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उज्जैन के चिमनगंज थाने में खड़ा एक बच्चा अपने शरीर पर लगे चोट के निशान दिखाने लगा। ये बच्चा उन 4 दलित बच्चों में शामिल है जिन्हें पीने का पानी मांगने पर बेरहमी से पीटा गया, जिसकी शिकायत करने पीड़ित बच्चा अपने घर वालों के साथ पुलिस थाने पहुंचा। इस बीच बच्चे ने अपने शरीर पर लगे पिटाई के निशान दिखाए। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने अगड़ी जाति के अर्जुन ठाकुर और कान्हा ठाकुर से पीने के लिए पानी मांगा, जिस पर आरोपियों ने बच्चों के साथ गाली गलौज कर उनकी बेल्ट से पिटाई कर दी। पानी मांगा था तो गाली दे उनको, पानी नहीं पिलाते। थाने पहुंचे पीड़ित बच्चे को पुलिस ने फौरन मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आवेदन पर से लड़कों का मेडिकल कराया गया है। घटना की तस्दीक करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई बनती होगी वो वैधानिक कार्रवाई प्रकरण में की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जाँच DSP को सौंपी गयी। ताजमहल के संरक्षण से जुड़े मामले में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान पूछा था कि आखिर ताजमहल का रंग क्यों बदल रहा। तस्वीरों के आधार पर कोर्ट को बताया गया था कि ताजमहल का रंग अब भूरा होने लगा। ASI ने जवाब दिया कि काई जमने की वजह से ताजमहल के संगमरमर का रंग बदल रहा। सख्त लहजे में जज ने पूछा कि क्या काई को पंख लगे हुए हैं जो वो उड़कर ताजमहल की दीवारों तक पहुंच रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर ASI ने ताजमहल के संरक्षण के लिए किया क्या।
तो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी पूछ लिया कि ताजमहल को बचाने के लिए देश को एएसआई की जरूरत है भी या नहीं। ताजमहल का रंग बदलने के पीछे एएसआई ने सबसे बड़ी वजह यमुना नदी को बताया। एएसआई का दावा है कि पहले यमुना के पानी में मछलियां काई खा लेती थीं, इसलिए ताजमहल की दीवारों तक काई नहीं पहुंचती थी। लेकिन सरकार यमुना पर बैराज बना रही है, जिसकी वजह से यमुना का पानी कम हुआ है, और पानी कम होने की वजह से मछलियां भी कम हुई हैं, इसलिए अब काई का असर ताजमहल की दीवारों पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी पर बनाए जा रहे बैराज से जुड़ी जानकारियां भी अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट को देने को कहा है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि ताजमहल के संरक्षण के लिए विदेशी एजेंसियों की सलाह लेने पर विचार हो रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही सुझाव दिया था कि ताजमहल के संरक्षण के लिए विदेशी एजेंसियां और विशेषज्ञों की राय ली जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले ताजमहल के संरक्षण से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिया जाए। मेघालय की राजधानी शिलांग में सड़क पर कई पेड़ टूट गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिलांग में भी तूफान का असर दिखा। यही नहीं, वहां भयानक तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हुई। तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी टूट गए, जबकि सड़क पर पानी भर गया। यही नहीं, पेड़ टूटने की वजह से सड़कें भी बंद हो गई, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने पेड़ कटवाकर रास्ते को साफ करवाया।